बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज ठीक है इससे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ब्लड प्लाज्मा के बारे में और हमने जाना था कि ब्लड की कंपोजिशन में हमने देखा था कि हमारे पास ब्लड में ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है और ब्लड सेल्स में हमने देखा था व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं और रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं ठीक है तो आज हम बेसिकली इन्हीं सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है ब्लड सेल्स के बारे में और हम एक और थोड़ा सा न्यू छोटा सा टॉपिक है सेल लाइक बॉडी जिसमें हम प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे ठीक है जी स्टूडेंट्स अच्छा इनको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे अपने एक टॉपिक का तो बैकग्राउंड उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ठीक है अभी क्यों पढ़े थे हमने पढ़े थे हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ठीक है डिफरेंट मटेरियल्स की मूवमेंट के लिए ठीक है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टू सिस्टम्स हमने पढ़े ठीक है एक हमने पढ़ा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और हमने पढ़ा था लिम्फेटिक सिस्टम ठीक है आपकी बुक के चैप्टर में सिर्फ इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ही एक्सप्लेन किया गया ठीक है और हमने देखा था कि ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारे ये हमारे पास मजीद तीन चीजों से मिलकर बनता है ठीक है एक हमने पढ़ा था ब्लड सेकेंड हमने पढ़ा था हार्ट और थर्ड हमने जाना था ब्लड वेजल्स होती है ठीक है अच्छा इस ब्लड के बारे में हम ये जान रहे थे पढ़ रहे थे और अगर हम इस ब्लड की बात करें ना तो हमने कहा था कि ब्लड जो है मजीद दो चीजों से मिलकर बनता है एक तो प्लाज्मा से और सेकंड हमने कहा था ब्लड सेल्स से ठीक है ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो हमने कहा था देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स जिसमें एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स और एक होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स ठीक है जी आज हम इन्हीं रेड ब्लड सेल्स और एक व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में जाने ठीक है तो अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडी से हमारे पास रेड ब्लड सेल्स आते हैं अच्छा रेड ब्लड सेल्स को हम जो है ना वो साइंटिफिकली इसका जो नेम है इसको हम कहते हैं रिथ्रोसाइड ठीक है ये रेड ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम है

पार्ट है बल्कि सेल से सेपरेट हुआ हुआ है है ठीक इसको हम डिटेल से पढ़ लेंगे ये आप देख सकते हैं डायग्राम है ठीक जिसमें जो रेड कलर के आपको जो नजर आ रहे हैं सेल्स वो हमारे पास रेड सेल्स हैं इसी तरह ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं व्हाइट कलर में हमारे पास व्हाइट सेल्स हैं और ये जो कलर लेस है आपको नजर है हमारे पास प्लेट लेट्स है ठीक है ये डायग्राम आपकी बुक में थी अच्छा स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की बात करें इरिथ्रोसाइड्स की ठीक है तो हम कहते हैं दीज आर मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल्स ठीक है ब्लड सेल्स में ये सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले जो है वो हमारे पास इिथ्रोसाइड होते हैं ठीक है न्यूमेरस का इसका मतलब काफी ज्यादा है ठीक है तो ये हमारे सेल्स ब्लड के अंदर जो सबसे ज्यादा अमाउंट सेल्स की पाई जाती है वो कौन सी होती है वो रेड ब्लड सेल्स की होती है ठीक है अच्छा ये आप देख सकते हैं हमारे पास रेड कलर में होता है ठीक है ये रेड ब्लड सेल्स से इनको क्यों कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो पिगमेंट होता है ना एक जो इनको कलर देता है वो रेड कलर देता है हमारा पूरा ब्लड हमें रेड कलर में नजर आ रहा है, तो होता है ठीक है तो ये पिगमेंट की वजह से होता है ठीक है आप ये देख सकते हैं हमारे पास इस तरह इस शेप में होते इस शेप को हम कहते हैं बायो शेप ठीक है जी अच्छा अगर हम बात करें तो हम कहते हैं अक्यूबिक मिली लीटर ऑफ द ब्लडेन्स फाइव टू मिलियंस मिलियन आर बी सी हम रेड ब्लड सेल्स को शॉर्टली लिखते हैं ठीक ठीक है है आर फॉर 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 रेड रेड बी ब्लड ब्लड और सी सेल्स सेल्स मतलब इन मेल्स ठीक है अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में तकरीबन एक क्यूबिक मिली के अंदर जो है वो तकरीबन पांच से पांच मिलियन रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं ठीक है इसी तरह फीमेल्स के अंदर जो है और तकरीबन फोर टू फोर पाए जाते हैं ठीक है अच्छा यहाँ पे क्यूबिक मिलीलीटर का क्या मतलब ये हमारे पास बेसिकली वॉल्यूम का यूनिट है ठीक है जैसे वेट का यूनिट आपको पता है क्यूब कैसा होता है इस तरह का क्यूब होता है ठीक है ये एक छोटा सा क्यूब है तो क्यूबिक मिलीलीटर हम उसको कहते हैं कि ये हर 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 क्यूब का अगर अगर एज जो साइड मिलीलीटर के बराबर होगी तो पूरे को हम कहेंगे वो एक होगा क्यूबिक ये बहुत छोटा सा होता है है ठीक यानी आपको यहाँ पर उन्होंने समझाने के लिए एक यूनिट बताया क्यूबिक मिलीलीटर एक बहुत छोटा सा होता है ठीक है एक स्मॉल सा होता है और अगर एक क्यूबिक मिलीलीटर भी अगर हम एक मैन का आदमी का ब्लड लेते हैं तो उस क्यूबिक मिलीलीटर के अंदर उसके अंदर जो

न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है ठीक है इन मैमल्स व्हेन रेड ब्लड सेल्स मैच्योर और जैसे जैसे रेड ब्लड सेल्स वो मैच्योर होते है, ये नहीं बड़े होते हैं यानी बड़े हैं अपने फंक्शनिंग के स्टेज को पहुंचते हैं इट न्यूक्लियस इज लॉस्ट ठीक है it, lost, अब इनका न्यूक्लियस क्या हो हो जाता जाता है 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 लॉस्ट ठीक यानी नहीं खत्म हो जाता है रिमूव हो जाता है अब मैमल्स हो हो uh, क्या होते हैं मैमल्स हमारे पास वो तमाम ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके स्किन के ऊपर जो है वो बाल होते हैं ठीक है थीके? फर होती है या फिर ये कह लें जैसे हम ह्यूमंस की बात करें हम मैमल्स में ही शुमार होते हैं ठीक है थीके? ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने यंग बेबीज को जो है वो फीड करवाते हैं वो सारे मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं ठीक है ह्यूमंस की है इसी तरह हमारी कैट है डॉग है बफेलो है काउज है ये सारे मैमल्स होते हैं ठीक है इनके अंदर क्या होता है कि रेड ब्लड सेल जब बिल्कुल इनिशियल में होते तो हो सकता है उनके अंदर न्यूक्लियस हो ठीक है दे हैव न्यूक्लियस बट जैसे-जैसे वो मैच्योर होते जाते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर जो है वो इंटर होते हैं मिच्योर होते हैं ठीक है बड़े मतलब बालक होते हैं इसका मतलब लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वो जब अपनी फंक्शनिंग के स्टेज स्टेट फंक्शनिंग के स्टेज को पहुंचते हैं तो उनका जो न्यूक्लियस है वो रिमूव हो जाता है ठीक है अभी न्यूक्लियस क्यों खत्म हो जाता है इसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो हम कहते हैं कि इसका जो काम होता है ना वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होता है ठीक है यानी वो हीमोग्लोबिन बनाता है ठीक है तो अगर सेल्स प्रेजेंट नहीं होगा न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या होगा एक तो उसके अंदर जो है वो डिबींग का प्रोसेस नहीं होगा सेकंड वो क्या होगा वो ज्यादा अमाउंट में जो हीमोग्लोबिन बनाएगा और जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट करेगा ठीक है थीके? अब आफ्टर द लॉस ऑफ न्यूक्लियस आरबीसी वो अपने फंक्शनिंग के स्टेज को पहुंच जाते हैं वो कहां पे इंटर हो जाते वो हमारे ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर इंटर हो जाते हैं ठीक है दाखिल हो जाते हैं अबाउट नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ दरबीसीज इज फिल्ड विद है अब वो कह रहे हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना क्योंकि ये भी सेल्स हैं जैसे बाकी हमारे बॉडी सेल्स हैं ये भी सेल्स हैं अब इन सेल्स के अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म आपको पता है ना हमने बात की थी कि सेल के अंदर जो एक ऐसा फ्लूइड फ्लूइड एक एक विस्कस सा सिरप जो या वाटरी जिसके अंदर हमारे पास तमाम ऑर्गेनाइल प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म ठीक है वैसे अगर आरबीसी की बात करें तो इनके अंदर ये दूसरे जैसे हमने कहा ना न्यूक्लियस इसी तरह इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होंगे गोल्जी वगैरह भी प्रेजेंट नहीं होते ठीक है लेकिन क्या है कि इसके जो साइटोप्लाज्म में है उसके अंदर एक और न्यू चीज होती है वो क्या होती है वो हीमोग्लोबिन होती है ठीक है अब हीमोग्लोबिन क्या है हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का नाम है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है अच्छा ये जो प्रोटीन है ना ये क्या करता है विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है थीके? अब ये जो हीमोग्लोबिन है एक प्रोटीन है जो कि हमारे आरबीसी सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है इसमें क्या करना होता है कि हमारे पूरे प्लांट बॉडी के जो डिफरेंट टिश्यूज हैं डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन सब तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है ठीक है अब यही हम बेजिक टॉपिक हमारे शुरू ही यहाँ से हुआ था कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट मटेरियल किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते कैसे मूव होते ठीक है तो हमने पढ़ा था

से भरा हुआ और जो है, है और जब बाकी पांच परसेंट उसमें क्या पैसा उसमें इंजाइम्स हैं उसमें साल्ट्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हो सकते हैं ठीक है इंजाइम्स अगेन हमने पहले भी बात की इंजाइम्स हमारे पास क्या होते हैं इंजाइम्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं डाइजेशन है, है प्रोटीन, इसके प्रोटीन का बनना है टूटना है या फिर प्रोसेस में क्या करते हैं उनको इन्हांस करते हैं ठीक है उनको कैटालाइज करते, उनको करते हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उनको तेज करते हैं इस तरह के सब्स्टांसेस होते हैं ठीक है और ऑलमोस्ट हमारे पूरे बॉडी में उनकी जो है वो जरूरत होती है और ये मूव होते है ठीक है तो ये जो बाकी पांच परसेंट हम कह सकते हैं यानी आप ओवरऑप देखिए कितने छोटे सेल जो कि हमारे पूरे बॉडी में है रेड ब्लड सेल्स उनके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है और इंजाइन भी इनके अंदर प्रेजेंट है डिफरेंट टाइप्स के साल्ट भी प्रेजेंट है और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट ठीक है इतनी चीजें ब्लड का सिर्फ रेड ब्लड सेल्स जो है वो ही ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प रहे होते हैं ठीक है व ठीक है अब वो कह रही हैं ये जो रेड ब्लड से अगर इनकी शेप की बात करें तो ये बायोकनकेब शेप के होते हैं और इनकी जो सेल मिम्रेन सेन होती है जो उनको पूरा सपोर्ट कर रही होती है उनको हम कहते हैं सेल मिम्ब्रेन है ठीक है इलास्टिक का मतलब की वो लचकदार होती अब बायो किनके का मतलब की अगर मैं आपको यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की आपको दिखाऊँ ये देखिए रेड ब्लड सेल्स है ठीक है ये इनकी शेप आप देख रहे कितने ज्यादा रेड ब्लड सेल्स का एक पूरा आपको नजर आ रहा है ढेर सा लेकिन ये जो आपको नजर आ रहा है दरमियान में थोड़ी से बेंड हुई शेप है ठीक है साइड से वो थोड़ी उभरी नजर आ रही है ये इसका एक साइड व्यू है रेड ब्लड सेल्स का ठीक है तो अगर आप टॉप से देखें तो हम इस तरह की बायोकिन केव शेप नजर आती है ये हमारे पास सारे रेड ब्लड सेल्स ठीक है इस तरह के रेड ब्लड सेल्स की इसको हम कहते हैं ये बायोकिन केव शेप के इन द एनिक एंड फ्यूटर लाइफ दे आर फॉर्म इन लिवर एंड सब्डी जब, जब ह्यूमन अभी प्रोड्यूस uh, पैदा नहीं होते बल्कि जब वो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे होतेमेशन के बाद जब एम्ब्रन रहा होता है फ्यूटल का मतलब यही होता है ना अनबोर्न बेबी उसको फ्यूटल कहते हैं ठीक है तो ऑर्गेनिज्म के जब एम्ब्रोनिक स्टेज हो गई या फीटल लाइफ होगी तो क्या होगा ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये कहां पे बन रहे होते हैं ये हमारे लीवर के अंदर बन रहे होते हैं यानी हमारे जिगर में एंड सप्लीन ठीक है और हमारे sapleen, sapleen भी हमारे बॉडी का ही एक ऑर्गन है ठीक है ऑर्गन है या ठीक है पार्ट है जिसे हम कहते हैं ना तीली है ठीक है ये सप्लीन उसका होता है ठीक है अभी सप्पीन uh, कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये आप हमारे जो है ना एबडोम के पास लेफ्ट साइड पे ठीक है अगर आपको दिखाऊँ ये हमारा एक एबडोम का पूरा पार्ट दिखा है तो ये हमारे स्टोमिक बिल्कुल यहाँ

तभी ये रेड ब्लड सेल्स बनना स्टार्ट हो जाए ठीक है और ये रेड ब्लड सेल्स तब कहाँ बन रहे होते हैं? हमारे लीवर में बन रहे होते हैं और हमारे सप्लीन में बन रहे होते हैं ठीक है

अब क्या है कि एवरेज लाइफ ऑफ इज स्पेनज़ फोर है अब ये तकरीबन रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में क्या होता है ये परमानेंट नहीं होते ठीक हैं ऐसा नहीं होता कि एक ह्यूमन बॉडी पैदा हुआ है अपनी लीवर और सप्ली में रेड ब्लड सेल से पूरी जिंदगी वही रेड ब्लड सेल्स से ऐसा नहीं होता बल्कि क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स है हर चार महीने के बाद जो है वो नए आते हैं और पिछले जो है वो खत्म हो जाते हैं ठीक है एवरेज लाइफ स्पेन का मतलब इनका दुरानिया कितना ठीक है और इनका दुरानिया क्या है तकरीबन फोर मंथस या फिर कह लें डेज

इसमें क्या होता है कि सेल्स की जो वॉल होती है ना सेल मेम्ब्रेन ठीक है वो अपने आप को इस तरीके से जो है वो मोल्ड करती है जैसे मैं अगर आपको ये हमारे पास अगर एक सेल है ठीक है एक सेल है उसके अंदर जो है प्रेजेंट है कि हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है और हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फेगोसाइटो तो प्रेजेंट होंगे ठीक है इसका अब क्या होना की हमारे पास बाहर जो प्रेजेंट जिसको इनगल्फ करना है 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 ठीक फॉर हमारे हमारे पास पास क्या रेड ब्लड सेल्स है है ठीक अब क्या होगा ये हमारे पास ये जो सेल है इसके पास आएगा ठीक है अब सेल पास आएगा रेड ब्लड सेल्स के पास आएगा क्या होगा कि फिर इसके बाद क्या होगा कि इसकी ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर को मुड़ जाएगी ऐसे हो जाएगी ठीक है यानी क्या होगा कि हमारे पास इस तरीके से हमारा सेल हो जाएगा ठीक है और ये जो रेड ब्लड है ये उसके बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगी पे उसकी जो सेल मेम्ब्रेन थी वो क्या हुई थी अंदर को मुड़ी है साथ ही हमारे पास ये, इसके अंदर इंटर हो जाएगी इंगल्फ इंगल्फ मतलब हो, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया हो गए या वायरसिस हो गए या जर्म्स होते हैं जिनको इंगल्फ करना होता है ठीक है इंगल्फ करना होता है हो निगलना होता है ठीक है अब रेड ब्लड के प्रोसेस के थ्रू ही हमारा जो बॉडी है उसको क्या करता है रिमूव कर देता है उनको ब्रेक कर देता है

अच्छा अब इनकी बात करें दे आर नॉट कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स ठीक है अब अगर हम ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें व्हाइट ब्लड सेल्स को हम शॉर्टली कहते हैं डब्ल्यू बी सी ठीक है जैसे हम रेड ब्लड मतलब कि महदूद नहीं होते हमने बात की थी मिच्योर हो जाते वो हमारे के अंदर जो इंटर हो जाते हैं ठीक है अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना ये ब्लड वेसल तक ही महदूद नहीं होते बट आल्सो माइग्रेट आउट इनटू द टिश्यू फ्लूइड ठीक है बल्कि ये क्या करते हैं हमारे टिश्यू फ्लूइड तक माइग्रेट का मतलब वहां तक पहुंच जाते ठीक है अब फिलूड क्या का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स हमने बात की ना टिश्यू कैसे बनता है टिश्यू हमने कहा था जब डिफरेंट सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं हमारे पास एक, एक, स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू बन जाए ठीक? है का कोई ना कोई को स्पेसिफिक फंक्शन होता है अब ये जो डिफरेंट सेल्स आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं ना ठीक है और उनके दरमियान ये जो स्पेसिस होती हैं छोटी छोटी इंट्रा सेल जिसको हम कहते हैं सेल के दरमियान ये जो खाली जगह रह जाती है ठीक है वहां पे एक लिक्विड प्रेजेंट यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए ना यहाँ पे स्पेस है यहाँ पे भी स्पेस है ठीक है और यहाँ पे भी स्पेस है इस स्पेस में कोई ना कोई फिलुइड प्रेजेंट होता है कोई ना कोई

ठीक है और ये हमारी बॉडी के लिए जो है वो अच्छा है एक पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है अगर चाहे वो सुराख भी कटे लेकिन इंसटेड उनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अब बिल्कुल आरबीसीस आर की तरह अगर हम डब्ल्यूबीसीस की बात करें तो हम कहते हैं वन क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड कंटेन 7000 टू 8000 डब्ल्यू बी सी ठीक है जैसे हमने बात की थी कि अगर हम आ, जो है ना आरबीसी की बात करें तो हमने कहा था कि क्यूबिक मिलीलीटर के वाइट ब्लड सेल्स, सेल्स अमाउंट की बात करेंड टू एट है अगर चाहे भी बहुत अमाउंट है लेकिन जो है वो आरबीसी के मुकाबले में डब्ल्यू सी की जो बहुत कम होती है इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो ब्लड का जो मेजर पोर्शन है वो कौन कवर करा होता है वो है ठीक है और बीसी की यानी वर्ल्ड ब्लड सेल्स की जो अमाउंट है वो तकरीबन सेवन थाउजेंड टू एट थाउजेंड ठीक है अब क्या अगर हम इनके लाइफ स्पेन की बात करें इनके दौरानी की बात करें ठीक है व्हाइट ब्लड सेल्स की रेंज फ्रॉम मंथ्स टू इवन इयर्स डिपेंडिंग ऑन द बॉडीज नीड ठीक है अब जैसे हमने बात की थी जो आरबीसीज बी है वो तकरीबन फोर मंथ्स रहते हैं ठीक है अब ये भी क्या होते हैं कई मंथ हो सकते हैं टू तो मंथ थ्री मंथ इवन ईयर्स तक भी रहते हैं ठीक है और मे बी परमानेंट भी रहते हैं ठीक है डिपेंड करता है कि बॉडी की क्या जरूरियात है किस तरह से बॉडी जो है वो फंक्शन कराए उसके मुताबिक जो व्हाइट ब्लड सेल्स की जो मकदार है वो बनती रहती है और रिमूव होती है ठीक है लेकिन नॉर्मल यही है कि हमारे पास जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो थ्रू आउट द बॉडी हमारे साथ रहते हैं ठीक है थ्रू आउट हमारी लाइफ के साथ ही चलते हैं अच्छा डब्ल्यू बी सी फंक्शन की बात करें एज द मेन एजेंट्स इन द बॉडी डिफेंस सिस्टम ठीक है system, अब इसका क्या काम है ये हमारे बॉडी का डिफेंस का मतलब क्या होता तो है दिफा करता है यानी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है ठीक है अब वो कैसे करता है अब वो भी हम जानेंगे अभी ठीक है अब जाने से पहले हम ये देखेंगे हमारे पास जो ब्लड्स वाइट सेल्स है इसकी दो मेजर काइंड है देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वाइल्ड ब्लड्स है ठीक है अब वो कौन कौन सी दो टाइप्स है एक को हम कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइड्स ठीक है और सेकंड हमारे पास है ए ग्रेन्यूलोसाइड ठीक है अब हम इन दोनों टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे ठीक है और साथ ही हम इनके फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे अच्छा अगर हम दो टाइप्स हमने पढ़ी पढ़िए एक टाइप है ठीक है व्हाइट ब्लड सेल्स की ग्रेन्युलर और एक ग्रेन्युलर ये ये जो जो होते हैं इसका मतलब क्या होता है एक वाइट ब्लड सेल्स होंगी ना इनके साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास क्या होता है ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है यानी छोटे छोटे दानेदार प्रेजेंट होते हैं ठीक है और ये जो ए ग्रेन्युलर है इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है ठीक है यानी इनके अंदर किसी किस्म का कोई ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते जहां भी वर्ड ए आ जाएगा ना इसका मतलब होता है नो no. यानी नहीं ठीक है ग्रेन्यूलोसिट्स यानी ऐसे जिनके अंदर ग्रेन्यूल प्रेजेंट है और ए का मतलब है नहीं ठीक है ऐसे जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा ठीक है ऐसे वाइट ब्लड जिनके साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर होगा कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे वो ए ग्रेन्यूलोसिस्ट हो और ऐसे वाइट ब्लड सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे जो अगर माइक्रोस्कोपिक लाइव पर देखें हमारे हमें नजर आते हैं वो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनको हम कहेंगे ग्रेन्यूलोसिट्स ठीक है अच्छा अब हमने ये ग्रेन्यूलो और एक ग्रेन्यूलोसिस्ट है इनको मजीद हमने जो है वो डिवाइड किया इनकी तीन टाइप्स है है की ठीक और वो कौन कौन सी है हम आप कहते हैं कि पहली जो टाइप है वो हमारे पास न्यूट्रोलोफिल्स है ठीक है है की पहली टाइप है, वो हमारे पास न्यूट्रोलोफिल्स है सेकेंड उसको हम कहते हैं इोसिनोफिल्स और थर्ड हमारे पास है बेसोफिल्स ठीक है इसी तरह अगर हम एक ग्रेन्यूल एक ग्रेन्युलोसिस्ट की बात करें तो इसकी भी हमारे पास दो टाइप्स आती है मेजर हम इसको दो मेजर हमने डिवाइड किया है कौन कौन सी एक हम कहते हैं ठीक है और सेकंड हमारे पास आता है बी एंड टी लिम्पोसिट्स ठीक है तो ये हमारे पास ग्रेन्युल्स की और ए ग्रेन्यूलोसिट्स की जो मजीद डिवाइड टाइप से ठीक है अब हम इनको भी मजीद डिस्कस कर लेते हैं ऐसा डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे इनकी डायग्राम सिखा दू न्यूट्रोलोफिस की आप देख सकते हैं डायग्राम ठीक है डायग्रामोफिस की डायग्राम और बेसोफिस की डायग्राम ठीक है ये हमारे पास जो है वो मोनोसिस्ट है ठीक है की और ये हमारे पास है वो की अब आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कि हमारे पास जो है ना आप देखें कि हमारे पास बिल्कुल छोटे छोटे इसका आगे वाले साइटर पास हम देखें ना हमें पर्पलिश कलर में आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल नजर आए ठीक है अगर आप देखें कि इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आपको मजदीद नजर आएंगे आपको यहाँ पे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं ठीक है हमारे पास क्या है हमारे पास दानेदार छोटी छोटी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं ठीक है जिसको हम क्या कहते हैं हम कहते हैं कि हमारे पास जो इसकी वजह से हमारा जो साइटा है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स हमें नजर आ रहे हैं हमारे पास जो है दाने था इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ग्रेन्यूलो हो गए और अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें तकरीबन हमारा जो साइटो प्लाजे आप देखिए मोनोसाइट का हमारे पास ये जो साइटर प्लाजा बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है बिवड है वाजिया है ठीक है इसके अंदर किसी किस्म के को को कोई छोटे छोटे दाने हमें नजर नहीं आ रहे ठीक है इसी तरह यहाँ पे भी आप देखिए हमारे पास क्लियर इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ग्रेन्यूलो है ठीक है अब इनको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं ठीक है ए ग्रेन्युल्स है साइटोप्रजम ठीक है वही बात दोबारा बुक में रीडिंग हम करें ठीक है ग्रेन्युलरसिस्ट क्या है कि इनका जो वो ग्रेन्युलर होगा ठीक है थोड़ा दानेदार होगा

देना हमें कोई ना कोई बीमारी कॉज करनी है तो हमारा बॉडी उसके खिलाफ फॉरिन से एक्शन लेता है ठीक है अब वो, वो क्या करेगा उसको इनगल्फ कर लेगा ठीक है यानी उसको खा लेगा जो वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर हुआ वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे वो वायरस है चाहे वो बैक्टीरिया है ठीक है वो जो हमारे बॉडी के अंदर इंटर हुआ उसने उसको क्या करना है उसको इनगल्फ करना है उसको निगल लेना है ठीक है वो निगलने के लिए क्या करता है कि अपना जो सेल जिसे इनगल्फ करना होता है ना जिसे हमारे बॉडी के सेल्स से हैं जिसे इनगल्फ करना होता है ठीक है उसकी ये जो साइटोप्लाज्म होती है ना सॉरी सेल मेम्ब्रेन होती है ना ये अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाती थी, है ठीक है ऐसे मुड़ेगी यानी जिस तरफ से वो आ रहा होगा ठीक है जो जिसने भी आना ठीक है जैसे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो कोई जिसने भी आ, जिसको खाना चाहे वो कोई वायरस है ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वायरस मैं बना देती हूँ ठीक है ये वायरस है ठीक है और हमारा सेल क्या करेगा जहां से वो इंटर होगा वहां से उसकी सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ तो मुड़ेगी और बिल्कुल घसीट के ये जो वायरस होगा उसको अपने अंदर ले आएगी ठीक है यानी सेल साइटोप्लाज्म के अंदर वो जो वायरस होगा वो क्या हो जाएगा वो इसके अंदर इंटर हो जाएगा साइट ये जो सेल जिसे खाना था जिसे इंगल्फ करना था वो क्या करेगा साइटोप्लाज्म को किसी ना किसी तरीके से अपने अंदर ले आएगा और जब अंदर ले आएगा फिर उसको अच्छे तरीके से निकलेगा उसको रिमूव कर देगा ठीक है लाइसोसोम्स की मदद से या डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ठीक है

कह लेके कोई भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो गए जो कि हमारी बॉडी के, के हार्मफुल है तो वाइट ब्लड सेल्स की ये जो एक टाइप है न्यूट्रोलोफिल्स ये क्या करेगी उनको ये हेल्प करती है आ, क्या कर फेगोसाइटोसिस ये ये uh, you know, ने क्या करना है uh, ये जो वाइट ब्लड सेल्स की या डब्ल्यू बी सी की टाइप है you know, इसने क्या करना है ब्रेक करना है इनफ्लामेटरी सब्सटेंसेस को या फिर क्या करते हैं हमारे पैरासाइट्स को किल करते हैं ठीक है थी? अब इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल समाइम जब हमें इंजेक्शन लगता है ठीक है कुछ ह्यूमन ह्यूम के साथ ऐसा होता है या फिर क्या होता है कि जब हमें कुछ चोट आ जाती है ठीक है आपने देखा हमारा वो एरिया थोड़ा सा स्वेल हो जाता है ठीक है हम उसको कहते हैं हमें इन्फ्लेमेशन होगी ठीक है और इन्फ्लेमेटरी सब्सटांसेस कौन से होते हैं कि जब हमें कोई स्वेलिंग हो जाती है या फिर कोई मतलब हमारे बॉडी के ऊपर जब चोट आ जाती है तो उसको uh, होता है ना कि जब कोई ना कोई उसके ऊपर बैक्टीरिया जरासीम आ जाती है जिसकी वजह से हमारा जख्म मजीद बिगड़ सकता है ठीक है यानी हो सकता है ऐसा लेकिन उसको

सब्सटेंसेस होते हैं उनको कहते हैं इंफ्लेमेटरी सब्सटेंसेस ठीक है और क्या ये जो इओसिनोफिलस है इसने इसका एक तो ये काम है ये हमारे इंफ्लेमेटरी सब्सटेंसेस को ब्रेक कर दे सेकंड क्या करता है कि पैरासाइट्स ठीक है क्या होते हैं पैरासाइट ऐसे आ, एक रिलेशनशिप के लिए एक ऐसा ऑर्गेनिज्म के हम, हम, अंदर जब इंटर होते हैं तो ना तो को कोई ना कोई हमारे बॉडी से फायदा लेते हैं लेकिन इनका खुद कोई खुद तो ये फायदा लेते हैं लेकिन हमें ये नुकसान देते हैं जैसे अ, अगर मैं मच्छर की बात ठीक करू मॉस्क्यूटो या अब हमारे बॉडी के जो ऊपर आता है वो बाइट करता है ठीक है उससे तो डाइट मिल जाती है वो तो हमारे बॉडी से खून ले लेता है ठीक है लेकिन हमें रिटर्न में कुछ फायदा नहीं होता बल्कि हमें उल्टे हमें बीमारी कॉज हो सकती है ठीक है हमें बुखार हो जाए

ठीक है ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है कि खून का मंजमन होना ठीक है और क्या करता है खून को प्रिवेंट करता है और रोकने ठीक ठीक है है इन सम केसेस ब्लड क्लॉटिंग हमारे बॉडी के लिए यूजफुल जैसे हमें कोई इंजरी आ जाती है तो हमारा ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली हमारे बॉडी फ्लो करा होता है ठीक है तो क्या होता है कि सम टाइम जो ब्लड क्लॉटिंग हमारे लिए अच्छी होती है यानी अगर वहां पर खून थोड़ा मंजमन हो जाता है क्लोट हो जाता है तो क्या होता है कि हमारे बॉडी को एक प्रोटेक्शन मिल जाती है मजीद खून नहीं फ्लो करता लेकिन कुछ केसेस में ब्लड क्लॉटिंग हमारे बॉडी 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 के लिए जो है वो ऑपरेशन के दौरान ब्लड क्लोटिंग जो है वो नुकसानदार भी हो सके ठीक है ये जो जो है वाइट ब्लड सर्किट बेसुफिस है या क्या करते हैं ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करता है ठीक है तो ये हमारे पास जो है वो ग्रेन्यूलोसिड्स के तीन टाइप्स है न्यूट्रोलोफिस इनोसिनोफिल्स और बेस्टोफिल्स जो न्यूट्रोफिल्स है वो क्या करता है वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू हमारे बॉडी के लिए जितने भी हार्मफुल्स है उनको खा लेता है उनको इनगल्फ करता है उनको निकल लेता ठीक है और इनोसिन क्या करता है एक को हमारे जितने भी उनको तोड़ता उनको है उनको किल करता है और बेसोफिल्स क्या करता है हमारी ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करता है उसे बचाता है ठीक है जी तो ये हमारे पास ग्रेन्यूलोसिड्स के हमने तीन टाइप पड़ी अब हम पढ़ेंगे ए ग्रेन्यूलोसिड्स की ठीक है तो एक ग्रेन्युलर की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं क्लियर साइटोप्लाज्म वही ना हमने बात की एक का मतलब है नो no, नहीं ठीक है तो ग्रेन्युलर का मतलब है कि इनके अंदर कोई चीज इनको ग्रेन्युलर प्रेजेंट नहीं होते तो इनका साइटोप्लाज्म जो होगा वो क्लियर होगा ठीक है अब इसकी फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था मोनोसाइट्स है ठीक है सॉरी आई थिंक मैंने जब आपको पहले वो टेबल में शो किया था मैंने आपको यहाँ पर बेसो बेसो साइट दिखाया ठीक है लेकिन ये एक्चुअली मोनोसाइट्स है ठीक है मोनोसाइट है तो क्या है कि मोनोसाइट्स क्या करते हैं प्रोड्यूस मैक्रोफेज बिच इन गल्फ ठीक है germs, इसका भी ऑलमोस्ट वही फंक्शन है जो हमने बात की थी जब हमने कहा था कि फेगोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो, वो जो है वो वाइट ब्लड सेल्स हैं तो ये मोनोसाइट्स भी जो है वो फेगोसाइटोसिस का ही काम हैं ठीक है. है ये मैक्रोफेज प्रोड्यूस करता है मैक्रोफेज क्या होता है ये मैक्रो का मतलब होता है बड़ा लार्ज ठीक है ये ये भी एक स्पेशलाइज किस्म के सेल्स होते हैं जो कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स ही प्रोड्यूस करता है ये भी हमारे बोन मैरो के अंदर ही होते हैं ठीक है लेकिन यह क्या होता है थोड़े बड़े है, है, होते हैं ठीक है यानी वो कंटिन्यूसली डिवाइड करा होता है अब ये जो मैक्रो फेजिस और इनका साइज बड़ा होता है ठीक है अब ये जो मैक्रोफेजेस हैं है ये भी क्या करते हैं ये हमारे जर्म्स को इनगल्फ करते हैं यानी उनको निगल लेते हैं बिल्कुल वही प्रोसेस जैसे हमने पहले बात की है फेगोसाइटोसिस का होता है वही कर रहे होते हैं एक ग्रेन्यू की जो दो टाइप हम

इसके बाद हम बात करें दूसरी हमारे पास आता है बी एंड टी लिम्फोसाइट ठीक है ये हमारे पास एक की सेकंड टाइप है ठीक है अब इनका क्या काम काम है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड कील जम्स ठीक है ये क्या करता है ये भी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है और हमारे पास जितने भी जम्स उनको कील करता है ठीक है एंटीबॉडीज अगेन हमने बात की हमारे पास एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन होती है जो के antigens कि एंटीजन के खिलाफ जब एक्शन ले रही है जैसे वही बात अगेन की जब हमारे बॉडी के अंदर कोई किस्म का को वायरस एंटर हो जाता है कोई बैक्टेरिया आ जाता है कोई ऐसा आ जाता है प्रोटोजो कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है तो क्या होता है वो हमारे बॉडी के लिए एक एंटीजन की तरफ वर्क कर रहे होता है ठीक है तो

जो जर्म्स होते हैं कील जर्म्स की यानी जरासीम को खत्म करते हैं, मार देते ठीक है बी और टी लिम्फोसाइड में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो ये कि जो टी होता है वो वायरसिस को रिमूव करा होता है और जो बी है वो वायरसिस और बैक्टीरिया दोनों को खत्म है ठीक है इसके अलावा भी थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो टी लिंफोसाइट होता है ये हमारे सेल्स की सर्फिस के ऊपर जो जो, जो आउटसाइड द सर्फेस जितने भी जरासीम होंगे उनको खत्म करता है ठीक है तो इस तरह से काम है ठीक है यानी ओवरऑल आप ये बात करें कि इनका जो वाइट ब्लड सेल्स है इनका जो फंक्शन होता है वो किस में होता है

वो होगा हमारा प्लेट रेड ठीक है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है थ्रोम्बोसाइट ठीक है अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो क्या है दे देआर नॉट सेल्स ठीक है ये सेल्स नहीं है बट आर द फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट का मतलब क्या है यानी उसके हिस्से हैं उसके टुकड़े हैं ऑफ लार्ज सेल ऑफ बोन मैरो ठीक है bone marrow, हमारे बोन मैरो यानी हमारी हड्डी का जो गुदा उसके अंदर जो बड़े सेल्स होते हैं उनका फ्रेगमेंट होता है यानी उनसे सेपरेट किए हुए सेल्स होते हैं ठीक है खुद सेल्स नहीं होते बल्कि सेल के फ्रेगमेंट होते हैं ठीक है तो आप कह सकते हैं कि ये सेल लाइक यानी सेल की तरह के होते हैं सेल लाइक यानी सेल की तरह के होते हैं ठीक है और इनको हम कहते हैं हमारे पास मेगा कैरोसाइड

क्यूबिक ब्लड कंटेन्स टू फिफ्टी थाउजेंड प्लेटलेट्स ठीक है तो ये क्वांटिटी बच्चों आपने याद रखनी है ठीक है जैसे हमने आर की बात की थी डब्ल्यू की बात करी इसी तरह प्लेटलेट्स में क्या होता है कि अगर ए, एक क्यूबिक मिली हम ब्लड ले रहे हैं ठीक है तो उसके अंदर क्या होगा तकरीबन तो टू थाउजेंड प्लेटलेट्स हमें मिल रही होती थी, है ठीक है तो ये या आपने याद रखनी अब इसके बाद प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो उनका अगेन हम यहाँ पे एक दफा रिपीट कर लेते हैं हमने बात की थी जो हमारे आर हैं यानी रेड ब्लड सेल्स हैं वो तकरीबन चार मंथ या बीस दिन पहले उनका लाइफ स्पेन होता है ठीक है अगर हमने बात की थी डब्ल्यू की यानी वाइट ब्लड सेल्स की तो हमने कहा था वो काफी टाइम गुजरता है यानी हो सकते हैं, भी हो सकते हैं, बी थ्रू आउट हो हैं, ठीक है लेकिन क्या है कि जो पेट्स है इनकी लाइफ बहुत कम होती है ये तकरीबन सात से आठ दिन तक ही होते हैं ठीक है हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग क्योंकि अब ये जो प्लेटलेट्स है इनका क्या फंक्शन है क्या मेजर रोल प्ले करते हैं ये हमारी ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं ठीक है जी अब क्या कहते हैं द एज ए टेम्पोरे सील एट द डैमेज एरिया ठीक है अ क्लॉट क्लॉट जो का मतलब है जो लोथड़ा बना खून का ठीक है सर्व है उसका क्या काम क्या सर अंजाम दे रहा काम एज ए टेम्पोरेरी ठीक है एक आर्जी तौर तो पर सील की तरह काम करते हैं एट द डैमेज एरिया डैमेज एरिया यानी हमारा डैमेज का मतलब खराब यानी वो वाला हमारे बॉडी का हिस्सा